दौलत के जोर पर सब कुछ मिलता है। हवस के पुजारी कब्रिस्तानों तक भी पहुंच गए। मियानी साहब में 456 हाथों पर मिली भगत से कब्जा जमा लिया। दौलत के जोर पर गरीबों से कब्र भी छीन ली। अहले इसरत प्यारों को दफनाने के लिए दर बदर होने लगे। बासर अफराद ने शहरी खामोशा के मखसूस हिस्से लाखों रुपए के एवज अलॉट करवा दिए। मखसूस सहातों पर अपने नाम की तख्ती लगा ली। जालिमों ने गरीब को दुनिया में ही अनोखे हिसाब किताब में मुब्तला कर दिया। 456 अहाते अपने नाम करके आखिरी आरामगाह को मुफलिसों के लिए आजमाइश बना डाला। गार्डन टाउन कब्रिस्तान की अराजी पर एलडीए के कब्जे का मामला हाईकोर्ट का। एलडीए को कब्रिस्तान के लिए 12 कनाल अराजी मुख्तस करने का हुक्म। अदालत ने एलडीए को कब्रिस्तान के लिए मुस्तफा टाउन में फौरी अराजी देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने कब्रिस्तान की अराजी से मुतल्लिक बड़ा फैसला सुना दिया। लैंड माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। फाइल्स के नाम पर पैसे हथियाने वाले सोसाइटी माफिया की फहरिस्तें तैयार। एलडीए ने मुस्तफा टाउन और पाक वैली समेत 103 गैर कानूनी रिहायश स्कीम्स का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। करप्ट माफिया से नैब की धड़ाधड़ वसूलियां। नैब ने मुस्तफा टाउन स्कैंडल में एलडीए एहलकारों से रकम बरामद कर ली। 63,56,000 रुपए मालियत का चेक एलडीए हुकाम के हवाले। साफ पानी कंपनी स्कैंडल। हमजा शहबाज तलबी के बावजूद नैब ऑफिस में पेश न हुए। साफ अफसर अताव तारड़ के जरिए नैब ने सवाल नामे का जवाब जमा करवा दिया। हमजा शहबाज पर साफ पानी कंपनी की मीटिंग्स में मुदाखलत का इल्जाम। आशियाना इकबाल स्कैंडल। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की कल फिर नैब में पेशी। नैब हुकाम ने कल 11 बजे तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद पर आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। शहर में 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा परवान न चढ़ सका। 4 कॉम्प्लेक्स की तामीर रोक दी गई जबकि दीगर 7 पर काम बंद। मंसूबे की कंसल्टेंट नेस्पाक और मास्टर इंजीनियरिंग ने रिपोर्ट्स पर एतराजात दाखिल करवा दिए। GOR3 में सरकारी मुलाजमीन रिहायशगाहों की मिसमारी के खिलाफ दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। मुजाहरीन की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। मुजाहरीन ने GOR3 की मरकजी दाखिले रास्ते पर कैंप लगा लिया। लेस्को का नादहिंदा सरकारी इदारों के खिलाफ सख्त एक्शन। 6,20,00,000 रुपए बिजली के बिल की अदम अदायगी पर लेस्को ने कोर्ट लखपत जेल की बिजली काट दी। लेस्को चीफ का बिजली बिल अदा न करने पर लाहौर के तमाम जोन के दफातर की बिजली मुनकता करने का हुक्म। 9 जोन के जिम्मे 4 अरब से जायद के वाजिबात। 16 मई को बिजली के ब्रेकडाउन का मामला। 8 रोज गुजरने के बावजूद ब्रेकडाउन की इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। अफसरान ब्रेकडाउन का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। जनरेशन कंपनीज ने ब्रेकडाउन का मलबा NTDC पर, NTDC जनरेशन कंपनीज पर मलबा डालने लगी। वज़ीर-ए-दाखला अहसन इकबाल 30 मई को हाजिर हों। हाईकोर्ट का हुक्म।
अदलिया मुखालिफ बयान देने पर वजीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। पैमरा ने अहसन इकबाल की मुतनाज़े तकरीर की सीटी और ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश कर दी। क्या अहसन इकबाल अदालत आए हैं? अदालत का इस्तफसार। वो सऊदी अरब में है वकील आजम नजीर तारड़। क्या अहसन इकबाल रात को सोए और सुबह अचानक उम्र पर चले गए? जस्टिस आतिफ महमूद के रिमार्क्स। सानिहा मॉडल टाउन में जहां बहक तंजीला अमजद की बेटी बिस्मा अमजद का चीफ जस्टिस के नाम खत। साबिक कमिश्नर लाहौर राशिद महमूद लंगड़ियाल को बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। राशिद लंगड़ियाल को किस मेरिट के तहत इकोनॉमिक मिनिस्टर बनाकर अमेरिका भिजवाया जा रहा है? शरीफ ब्रादरान सानिहा के मुलजमान फरार करवा रहे हैं। बिस्मा अमजद की चीफ जस्टिस से अपील। निगरान वजीर आला पंजाब का मामला। अपोजिशन लीडर और वजीर आला पंजाब में मुलाकात तय पा गई। शहबाज शरीफ और मियां महमूद और रशीद के दरमियान कल 3 बजे मॉडल टाउन में मुलाकात होगी। मुखालफीन की तनकीद की परवाह नहीं। इल्जामात को खातिर में लाए बगैर तरक्की का सफर जारी रहेगा। मुखालफीन नून लीग की रिकॉर्ड साज तरक्की से खौफजदा होकर हिम्मत हार चुके। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से अराकीन असेंबली की मुलाकातें। असेंबली फ्लोर पर हमेशा आवामी मसाइल के हल की जंग लड़ी। अपने हलके के लोगों का हमेशा सर फख्र से बुलंद किया। अपने हलके के दूसरे इलाकों में अच्छे लफ्जों में पहचान करवाई। रहनुमा पीटीआई मियां इकबाल का मजंग में इफ्तार पार्टी से कबल कारकुनान से खिताब। नून लीग के टिकट के लिए मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में दरखास्तें जमा कराने का सिलसिला जारी। लीगी खवातीन भी दरखास्तें जमा करवाने में पेश पेश। 35 साल से पार्टी से मुंसलिक परवीन अख्तर भी टिकट के हसूल के लिए पुरउम्मीद। हमारे फलाही मंसूबों पर जाली इफ्तिताही तख्तियां लगाने वाले शहबाज शरीफ का सियासी अंजाम करीब है। लीगी क्यादत ने पाकिस्तान को कर्जों में डबो दिया। शहबाज शरीफ आवाम को मजीद धोखा नहीं दे सकते। चौधरी परवेज इलाही। चौधरी आरब सिंधु एडवोकेट की क्यादत में वकला और सियासी शख्सियात की काफ लीग में शमूलियत। करप्शन को खत्म करने के लिए करप्ट लोगों को लटकाना होगा। सरकारी महकमों और फंड जारी करने वालों का भी एहतसाब होगा। NA 120 में अरबों रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। हमदर्द सेंटर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। तालिबान से मुबैना बदसलूकी से मुताल्लिक खुर्रम नवाज गंडापुर की वीडियो का मामला। इदारा में नहाजुल कुरान का गर्ल्स हॉस्टल बंद करने का फैसला। इंतजामिया का 1 जून तक तालिबात को हॉस्टल खाली कराने का हुक्म। तालिबात हॉस्टल की कवायद और जवाबित पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। मिनहाजुल कुरान इंतजामिया का मौकफ। हॉस्टल खाली करने के फैसले पर तालिबात परेशान। मॉडल टाउन में मोटरसाइकिल चोरी करने की 100 वारदातें। करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजमान में नकाश नजीर मोहम्मद नदीम खुर्रम शहजाद और अली हसन शामिल। मोटरसाइकिल्स बरामद। मुहाफिज ही लुटेरे। पंजाब पुलिस के शेर जवान डाकू बन गए। नवाकोट CIA पुलिस की कार्रवाई। 4 रुकनी फैसल असलम डकैत गैंग गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम पुलिस मुलाजिम निकला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। 158 अड्डे सील कर दिए। लाहौर में अताइयों के 11 क्लिनिक सर्वमोहर। 441 इलाजगाहों पर छापे। मजीद 127 अताइयों ने अताइयत छोड़कर दूसरे कारोबार शुरू कर दिए। खेलों के फरोग में हुकूमती दिलचस्पी की अनोखी मिसाल। महकमे जंगलात एक बार फिर 30 साल पुराने जल्लो फुटबॉल क्लब के मसमारी के लिए पर तोड़ने लगा। क्लब के मसमारी पर जूनियर और सीनियर खिलाड़ी सराफा एहतजाज। पंजाब वुमेन कमीशन की जानिब से खुशाइंद इकदाम। खवातीन के लिए जॉब आसान प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग। मुलाजमत के लिए ख्वाहिशमंद खवातीन अपना डेटा पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगी।
मुहिमों का सिलसिला जारी। गरी शाहू मोन नारज हॉल में डिप्टी मेयर एजाज हफीद की जानिब से मदनी दस्तरखान लगाया गया। फाउंटेन हाउस में एडवोकेट असर सद्दीक की जानिब से इफ्तारी करवाई गई। जौहर टाउन में शमसा फाउंडेशन ने रोजादारों में इफ्तार बॉक्स तकसीम किए। हॉल रोड पर ताजिरों की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया।